तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं मैं आपका अपनी इस वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि गवर्नमेंट ने इंडियन आर्मी और डिफेंस ऑफिसर्स को कहा है कि कुछ एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर दीजिए, जो कि टोटल एप्लीकेशन है 42। उन 42 की लिस्ट निकली गई कि ये चाइनीज एप्लीकेशन है और ये हमारे डाटा को कर रही है इनहेंस और भेज रही है चाइना में या हमारे अपोनेंट कंट्री में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लिस्ट है ये WeChat, Truecaller, UC Browser, MI Community, MI Store और MI Video Call, Beauty Plus और भी हैं, और Vivo, WeChat, Sherry, Truecaller, UC Browser, UC News, Beauty Plus, NewsDog, Viva Video और QU Video, Parallel Space, APUS Browser, Perfect Crop, Virus Cleaner, High Security Lab, CM Browser, MI Community, जो मैं भूल चुका हूँ, ये जितने भी हमारे DU के एप्लीकेशन है, जैसे DU Recorder, Vault Hide, You Can Makeup, MI Store, Cache Cleaner, DU Cleaner Master and Chetan Mobile, Baidu Map, Wonder Camera, ES File Explorer, Photo Wonder, जितने भी QQ International, QQ Music, QQ Mail, QQ Player, QQ Newsfeed, VSync, QQ Security Center, Selfie City, Mailmaster, MI Video Call और QQ Launcher। ओह, कितनी ज़्यादा लिस्ट है यार, मेरी तो सांस फूल गई। ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जो आपको अनइंस्टॉल कर देनी चाहिए। आप अगर कॉलेज स्टूडेंट हो या स्कूल स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ या किसी कंपनी में काम करते हो, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, मुझे उससे मतलब नहीं। अगर आप इंडियन हो तो आपको ये एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर देनी चाहिए, क्योंकि शायद आप नहीं चाहोगे कि आपका प्राइवेट डाटा कोई रीड करे या किसी को पता चले। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।